सुप्रभातम विद्यार्थी मित्रों हूँ छु डॉक्टर महेश दाफड़ा। मित्रों आज 491 491 व्याकरण एपिसोड तमारी समक्ष आज हूँ प्रस्तुत करवा जा रह्यो छु। त्यारे खरेखर हूँ खूब ज गौरव की लागण अनुभवी रह्यो छु, खूब ज आनंद की लागण अनुभवी रह्यो छु। मित्रों तमने आज वीडियो पसंद आए तो चोक्कसपणे लाइक करशो, वधुमां वधु मित्रों साथे आ वीडियो शेर करशो एवी हूँ आपनी पासे अपेक्षा राखू छु। मित्रों फरी एक बार आप सौनु एज्युकेशन टच नामनी अपनी आ घर आंगणानी यूट्यूब चैनल में आप सौनु हार्दिक स्वागत छे। मित्रों एज्युकेशन टच नामनी अपनी आ यूट्यूब चैनल माध्यम थी अंग्रेजी व्याकरणना अनेक प्रकरणों अहीं तमने शीखवामां आव्या छे। जो मित्रों तमने प्रत्येक वीडियो पसंद आवतो होय तो चोक्कसपणे वीडियो ने लाइक आपशो, मित्रों में वधुमां वधु शेर करशो तो मने खूब ज गमशे। अने हाँ मित्रों एज्युकेशन टच नामनी अपनी आ घर आंगणानी यूट्यूब चैनल તમે પણ સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને આપના મિત્ર વર્તુળને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરવા જણાવશો તો મને સવિશેષ આનંદ થશે, મને પ્રોત્સાહન પૂરું પડશે। તો ચાલો મિત્રો સૌ પ્રથમ એજ્યુકેશન ટચ નામની આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને મને બળ પૂરું પાડવા આપ સૌને નમ્ર નિવેદન છે। ચાલો મિત્રો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરતા પહેલાં એક સરસ મજાનો સુવિચાર હું આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યો છું અને આજનો સુવિચાર કંઈક આવો છે મિત્રો, स्वाभिमान कदी मरतु नथी अने अभिमान लांबु जीवतु नथी, जेनी भाषा मा जेनी भाषा में सभ्यता होय तेना जीवन में भव्यता होय अने शांति होय। मित्रों स्वाभिमान अने अभिमान, स्वाभिमान क्यारे मरतु नथी अने अभिमान लांबू जीवतु नथी, जेनी भाषा में सभ्यता होय एनी जीवन में दिव्यता भव्यता अने शांति होय। मित्रों स्वाभिमान क्यारे मरतु होतु नथी, स्वाभिमानी बनो पण अभिमानी क्यारे न बनो, एवो आजनो आ सरस मजानो सुविचार। मित्रों हवे आपणे आपणा अभ्यासमां आगळ वधीशुं। मित्रों आपणे जे भणी रह्या छीए ये मित्रों आपने भणी रह्या छे ए भणी रह्या छे फ्रेज प्रेपोजिशन आना विषे आपणे अभ्यास करी रह्या छे। मित्रों घणी वार एवा केटलाय प्रेपोजिशन नाम पाछळ तो क्यारेक कोई विशेषणनी पाछळ तो क्यारेक कोई क्रियापदनी पाछळ ए लागता होय छे। क्यारेक नाम पाछळ प्रेपोजिशन लागे छे, क्यारेक कोई विशेषणनी पाछळ लागे छे, क्यारेक कोई क्रियापदनी पाछळ प्रेपोजिशन लागता हुए छे अने पछी जे फ्रेज बने छे ए फ्रेज ने आपणे शुं कहीए छे, फ्रेज प्रेपोजिशन तरीके आपणे ओळखीए छीए। अत्यारे मित्रों आपणे जे भणी रह्या छे ए नवमुं फ्रेज प्रेपोजिशन भणी रह्या छे अने विथ व्यू टू अत्यारे जे आपणे अभ्यास करीए छे ए विथ अ व्यू टू, आनो आपणे अभ्यास करी रह्या छे विथ व्यू टू ना हेतु थी ना हिसाबे विथ व्यू टू नो अर्थ ना हेतु थी करी शकाय ना हिसाबे एवो पण करी शकाय छे। चलो मित्रों आपणे एक्जाम्पल लई अने विथ व्यू टू ने समजवानो प्रयत्न करीए। दाखला तरीके आपणे एक्जाम्पल लीए द एज्युकेशन सिस्टम चेंज विथ अ व्यू टू
provide skill based education to the youth of India. The education system change with a view to provide skill-based education to the youth of India. Education system बदलाई हती with a view to शेना हेतु थी to provide skill-based education to the youth. यूथ ने skill-based education आपा माटेना हेतु थी यूथ ने युवानों ने नवी पेढ़ी ने skill-based education पूरु पाड़वाना हेतु थी युवानों ने skill-based education पूरु पाड़वाना हेतु थी हेतु थी the education system change. एजुकेशन सिस्टम बदलाई हती विथ अ व्यू टू प्रोवाइड स्किल बेस्ड एजुकेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया. भारतना युवा धरणे स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करवा माटे भारतना युवा धरणे स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवा माटे स्किल बेस्ड शिक्षण प्रोवाइड करवा माटे आपवाना हेतु थी with a view to लापना हेतु थी the education system change education पद्धति बदलाई हती. मित्रों आ बात थी ए with a view to ना वाक्य में केवल प्रयोग करी शकाय. मने लागे छे आ वाक्य तुमने बराबर समझाई गई होशे. मित्रों भले आपणे आज एक ज वाक्य भणीए पण बराबर भणीए ए हेतु थी थोड़ू भणीए पण सारू भणीए ए वात फरी एकवार याद राखी. मित्रों फिर एक बार हूँ जो भणावु छू ए मारा ज्ञान की मर्यादा ने अनुरूप भणावु छू. संभव है कोई क्षति हो तो चोक्कसपणे कोई सारा व्याकरण ग्रंथ ना अभ्यास मित्रों अवश्य करजो. परंतु कोरोना आवा कपरा काल में शक्य हो त्या सुधी घर में रहिए स्वच्छ रहिए स्वस्थ रहिए अने अभ्यास करिए. मित्रों फरी एक बार आप सौ ने एज्युकेशन टच नामनी अपनी आ यूट्यूब चेनल ने वधु वधु सब्सक्राइब करी अने मने प्रोत्साहन पूरु पाड़वा आप सौ नम्र निवेदन है. फरी पाछा आवती काले आपणे नवा मुद्दा साथे मळीशुं. त्यां सुधी भारत माता की जय.